वीना लखनऊ से हमारे साथ। स्वागत है वीना जी आपका। हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर साहब। जी जी आदाब। मेरी बेटी है 20 साल की, तो उसके पीरियड नहीं हो रहा है 2 महीने से। ठीक है, इससे पहले नॉर्मल थी? हाँ जी, इससे पहले कभी कभी पिछले साल भी इस मौसम में थोड़ी दिक्कत थी, इसलिए दवा ली थी होम्योपैथिक। ठीक है। अच्छा देखिए, बच्ची को एक दवा बताता हूँ जो आपके किचन में मौजूद है। हल्दी जो किचन में है, लेकिन ये हल्दी पिसी पिसाई ना हो, आपके घर में पाउडर बना लें। वो बड़ा ताकतवर और जानदार होती है। अक्सर बाहर से मिलावट की चीज़ें आती हैं, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ। तो हल्दी 1 चम्मच, छोटा चाय का चम्मच, 3 ग्राम 4 ग्राम 1 गिलास दूध में घोलें ये, और उस बच्ची को 1 हफ्ते में 1 बार पिलाएं। जैसे आज पिलाई है तो अगले हफ्ते आज ही के दिन पिलानी है। 1 महीने में 4 बार 1-1 चम्मच पिलाएं। महीना 2 महीना पिलाएंगे तो उसका पूरा निज़ाम पीरियड्स का ठीक होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं उमा देवी हमारे साथ। स्वागत है उमा जी आपका। मैडम, जी बोलिए। मेरी एक बेटी हाँ एम्स हुई थी, 13 साल की है, ठीक है। और 13 साल के बाद वो मैंने बहुत ज्यादा उसका एम्स जा रहा, बार बहुत ज्यादा, और उसके बाद 2-3 महीना बंद हो गया था, फिर चालू हो गया उसका, और अभी 15 दिन से एकदम बंद नहीं हो रहा, थोड़ा अभी जाइए रहा। बेटा, अभी तो आपने फोन किया था शायद इसी प्रोग्राम में। उससे बात नहीं, वो हमारी बहन है, झारखंड में है वो अच्छा, बहन, हमारी हमारी 3 बहन, 5 बहन है हम लोग, और तीनों बहन हम लोगों का टीवी नहीं है सर, इसलिए लोग फोन की थी। एक झारखंड में, एक 2 बहन हमारी झारखंड में ही है। बहुत मुबारक, आप इतनी सारी बहनें हैं, और खुश रहा करें। और मैंने बताया था नुस्खा, जिस बच्ची को पीरियड ज़्यादा होते हैं उसको गौन मोरिंगा, एक गोंद आता है मोरिंगा का, सहजन का गोंद भी कहते हैं, मुश्किल से मिलता है, नकली मत लेना, असली लें, और आधा ग्राम पानी में मिला के रोज़ पिलाया करें, तो उनकी ये तकलीफ ठीक होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं मुंबई से मनोज हमारे साथ। स्वागत है मनोज जी आपका। नमस्कार जी नमस्कार। आदाब। मैडम नमस्कार अखिल जी, ये मेरी माता जी के लिए क्वेश्चन पूछना था, उनकी जी उम्र है 80 साल, उनका एक्चुअली शोल्डर में और गर्दन में बहुत दर्द रहता है 6-7 महीने से। ठीक, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, वैसे बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, लेकिन सोने में बहुत तकलीफ रहती है, कुछ ये हुआ है। ठीक है। ये बहुत भगवान का एहसान है कि इस उम्र तक कोई तकलीफ नहीं है, और ये तकलीफ भी बहुत जल्द उनकी ठीक होना मुमकिन है। जो मैं कह रहा हूँ आप वैसे उनके लिए दवा का इंतज़ाम करें। एक गोंद आता है, गोंद स्याह यानी काला, काला गोंद 100-200 ग्राम खरीदें, असली होना चाहिए, नकली से ज़रा बच के रहना, असली होना चाहिए, और आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम उनको देना शुरू करें। ये 100 ग्राम गोंद ख़त्म होने से पहले उनको फ़ायदा मुमकिन है। लेकिन एक और बात सुन लीजिए कि उनकी एक्सरसाइज ये वाली, ऐसे ऐसे करते रहें दिन में जितना भी कर सकें, और ऐसे ऐसे ये भी 2-4 मिनट ज़रूर किया करें, ये दोनों एक्सरसाइज, तो आपकी माता जी को फ़ायदा होना मुमकिन है। बिल्कुल हकीम साहब, इनके लिए कोई यूनानी दवा हो सकती है? हाँ देखिए, अगर झंझट लगे आपको दवा बनाने में, नकली असली का चक्कर हो, ये हो वो हो, तो कैप्सूल टी केयर, T4 टाइगर सुबह शाम खिलाइए, और आपकी माता जी को फायदा होना मुमकिन है। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? आकाश बात कर रहे हैं, बिहार से। ठीक है आकाश जी, बताइए, सवाल करिए। हकीम साहब को नमस्कार जी। हमारा भी आदाब आपकी पूरी फैमिली को। हकीम साहब, मैं ना पूछना चाह रहा था कि मेरे ना मुंह से बदबू आती है, वो मेरी पसीने से बदबू आता है,
बहरहाल देखिए, मुंह से बदबू आती है पेट की खराबी से, और मुंह से बदबू आती है मल्टी विटामिन की कमी से। तो मल्टी विटामिन कमी है तो आप एक कैप्सूल हर हफ्ते लें। मल्टी विटामिन कैल्शियम युक्त होते हैं, बहुत मिलते हैं, एलोपैथी ले लें। लेकिन अगर पेट खराब है तो आपको लेना चाहिए सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन और गौंद, मोरिंगा, पांच चीज़ें पाउडर बनाएं और 3 ग्राम के एक छोटा चाय का चम्मच सुबह, और बहुत ज़रूरत हो तो शाम को भी ले सकते हैं, पानी से लें। ये आप चीज़ें अगर इस्तेमाल करेंगे कुछ दिन तो फ़ायदा मुमकिन है जी। नेक्स्ट कॉलर है मेरठ से हमारे साथ राकेश, स्वागत है आपका राकेश। हाँ जी मैडम नमस्कार। जी नमस्कार मैडम, जो है मैं डायबिटिक हूँ और मुझे हर वक्त जो है 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद थकावट बहुत रहती है, हर वक्त नींद ही ऐसी रहती है। ठीक है, क्या कंट्रोल नहीं हो रही डायबिटीज? मैं कंट्रोल तो दवाई तो खाता हूँ, दवाई खा कर कंट्रोल तो है। ठीक है, अच्छा देखिए, डायबिटीज हमें अंदर से खोखला करती है। जैसे किसी लकड़ी में दीमक लग जाए तो बाहर से तो अच्छी लगती है लेकिन अंदर से खोखला करती है। डायबिटीज आपको अंदर से खोखला ना करे और बाहर से भी मजबूत रखे, उसके लिए आप वो दवा खाते रहें जो खाते हैं, लेकिन रात में सोते समय 3 चम्मच जैतून का सिरका 1 गिलास पानी में मिलाकर ज़रूर पिया करें। यह आपको खोखला नहीं होने देगी और ये आपके जिस्म की लकड़ी को सैनिटाइज कर देती है ताकि कोई कीड़ा ना लगे। और वो भी दवाई खाइए और ये भी इस्तेमाल करिए, आप सेहत की जिंदगी गुजार सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर बलिया से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार, नाम बताइए अपना। विश्वनाथ गुप्ता जी, सवाल कीजिए। जी गुप्ता साहब बताइए, क्या सेवा? सर मेरा बायां हाथ पूरा उठ नहीं रहा है और कंधे पे और बाह में दर्द रहता है जी। एज भी बताइए गुप्ता साहब जी। एज आपकी? हमारी एज है लगभग 58 साल। अच्छा, और कितने दिन से है, क्या कोई वजन उठाया था आपने? ये हमारा लगभग मार्च से लगभग चालू हुआ है सर, मैं ज्यादा बाएं करवट सोता हूँ इसलिए बाएं हाथ पे दिक्कत। ठीक है, अच्छा देखिए ये नर्व का तकलीफ है, और मैं अभी गांव गया हुआ था पिछले साल, तो मेरा एक कज़न का हाथ नहीं उठता था, मतलब वो अपने कपड़े खुद नहीं पहन सकता था, उठना तो बहुत दूर। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तूने कोई वज़न उठाया, तो उसने इनकार कर दिया। तो फिर मैंने उसको एक दवा बताई, कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, कैप्सूल टी केयर, और वो उसको दिए और वो जैसे जैसे खाता रहा उसका हाथ उठता चला गया। और वही दवा आपको मैं सजेस्ट करता हूँ, कैप्सूल टी केयर खाएं और वज़न नहीं उठाएं। हम भूल जाते हैं कि हमने वज़न उठाया या कहीं ज़्यादा ताकत लगा दी, उस हाथ से आप कोई मेहनत का काम नहीं करें जिसमें तकलीफ़ है, वरना आपको इतनी परेशानी होगी, जहाँ जाएंगे वहाँ पर नई बात कहेंगे, कोई कहेगा उसमें वो तरल पदार्थ ख़त्म हो गया, कोई कहेगा नस टूट गई, कोई कहेगा हड्डी टूट गई। ये सब अगर बचना है तो कैप्सूल टी केयर खाएं, वज़न उस हाथ से कुछ दिन ना उठाएं, और मेरे ख्याल से बहुत जल्द आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। कविता जी जुड़ी हैं, अभी हमारे साथ जुड़ी थी लेकिन इनके 2 सवाल और हैं, तो एक बार फिर से हमारे साथ हैं ये। जी स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। सर मेरे हस्बैंड को, हाँ जी, सवाल है सर मेरे जी, मेरे हस्बैंड को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। ठीक है, और बैक में भी पेन रहता है, बीपी भी है। मैंने आपकी एक दवाई देती थी इनको बैक पेन के लिए, और सी कलौंजी और हरड़ नहीं डालती थी, सुरंजान सीरी और अश्वगंधा जी, तो उससे इनको आराम मिला था जी। लेकिन इनके कुछ मतलब कि 2 महीने के बाद इनको पेट की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी मोशन हो जाते हैं कभी रुक जाते हैं, और फिर उस बीच में फिर ये दवाई बंद हो जाती है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है। अब इनको जो है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, तो यूरिन में रात को 2-3 बार उठना पड़ता है, तो सवाल मेरा ये है
तकलीफ से आता है क्या ये यूरिन? तकलीफ से आता है, ज्यादा आता है, तकलीफ से आता है? बिल्कुल, हाँ जी तकलीफ से आता है, लेकिन कम आता है, कभी प्रेशर पड़ता है लेकिन होता नहीं, कभी होता है। ले ये इसकी दवाई भी कर रहे हैं दूसरी। ठीक है। अच्छा देखिए, वो नुस्खा आपने बनाया था और फायदा हुआ था, मेरे ज्यादातर लोगों को फायदा हो जाता है नुस्खों से, और करोड़ों लोग फायदा उठा चुके हैं। और देखिए, विश्वास रखें ऊपर वाले पर। मेरे पास जो उसने इल्म दिया, मैंने आपसे शेयर किया, अब आपका काम है उसको यूज़ करना, और अगर फ़ायदा हो तो लोगों तक ये बात पहुंचाना कि इस घरेलू नुस्खे से ये फ़ायदा होता है। ठीक है, अब मैं एक नुस्खा उनको बताता हूँ, आप उसे बनाएं। और देखिए, कलौंजी का नमक आता है, कलौंजी का नमक, और 100 ग्राम लें धनिया, 100 ग्राम, और कलौंजी का नमक 100 ग्राम। कलौंजी का नमक मुश्किल से मिलता है, तो वो हासिल करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, या हमें भी परेशान कर सकते हैं आप। और धनिया, आंवला, मेथी, धनिया आंवला मेथी, धनिया आंवला मेथी, सौंफ, ये 150-150 ग्राम ले लें, और 150 ग्राम कलौंजी का नमक, इनको पाउडर बनाएं सब घर में। और आप तो पहले बना चुकी हैं नुस्खा, और 1 या 2 ग्राम सुबह, 1 या 2 ग्राम शाम को इन्हें दें। 1 ग्राम देना शुरू करें, आप देखेंगे पहले दिन से उनको फ़ायदा होने लगा, और ये नुस्खा ख़त्म होते होते वो मुकम्मल तौर पर ठीक होना मुमकिन है। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। हमारे साथ हबीबा हैं आंध्र प्रदेश से, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तो मैं अपने आपा के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताइए जी। तो उसे हर टाइम साइनस का प्रॉब्लम होता है, ठंड का आला, धूप का आला, बरसात का आला, हर एक टाइम साइनस का प्रॉब्लम होता है उसे। सुबह से उठते ही को से 15-20 छींक छींकती है, मौसल बहुत साइनस से हो जाती है, ब्लॉक हो जाता है उसका एक तरफ का नाक के। जी। बेटा एज कितनी है आपा की, आपके? उसे हमारे आपा का एज है अभी 22। अच्छा देखिए, एक इलाज है और घरेलू भी इलाज बताता हूँ, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो दवा भी ले सकते हैं। उन्नाब, लिसोड़ा, अलसी 100-100 ग्राम लें, और 20 ग्राम इसमें पीपलें मिलाएं जो गर्म मसालों में किचन में होती है, इनका पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म पानी से लें, तो छींकों में कमी आती जाएगी, एकदम सब कुछ रुकेगा नहीं, छींकों में कमी आती जाएगी। इनके अंदर कुव्वत मुदाफियत यानी बीमारी से लड़ने की शक्ति जिसे बढ़ जाएगी तो ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन 5-6 महीने भी लग सकते हैं। दवा के तौर पर अगर लेना चाहें तो माजून आर केयर, इसमें अच्छी दवा कहलाती है, सुबह शाम 1-1 चम्मच गर्म पानी से लें। खट्टी चीज़ें बिल्कुल तर्क कर दें, बंद कर दें, खट्टी चीज़ें जो महिलाओं को पसंद हैं वो सब आम का अचार और नींबू, खट्टा दही, खट्टी कोई भी चीज़ ना खाएं तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रीति स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम जी। जी नमस्कार। हाँ जी जी नमस्ते हकीम साहब। जी जी आदाब प्रीति जी, बताइए क्या सेवा है। हाँ जी, मेरे भाई हैं, वो रात को रोज जिम करते हैं, जिम के बिना रहते नहीं, और 5-6 पर सीखते हैं, और फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और उनको नींद नहीं आती। प्लीज कोई ऐसा नुस्खा बताइए कि उनकी जिम छूट जाए और रात को नींद आनी शुरू हो जाए उनको। जी हाँ बेटा, देखो ऐसा कोई नुस्खा नहीं है कि जिससे ड्रिंक छूट जाए, लेकिन कुव्वत इरादा, जो इरादे की ताकत है, वो छुड़ा सकती है। वैसे मैंने एक तरीका निकाला है, आप देख लें कि ड्रिंक वो नशे के लिए करते हैं, और नशा की एक चीज़ मैं बता देता हूँ, लेकिन वो नशा
ऐसा नहीं है कि उल्टी सीधी बातें करे या लोगों से झगड़ा करे या ज़्यादा बात करे या नींद खो जाए, बल्कि वो इस्तेमाल करने से आदमी को सुकून मिलता है और समझदारी की बातें करता है और भाईचारे की बातें करता है, वो लड़ता नहीं किसी से। तो उसे कहते हैं जैतून का सिरका। अगर वो राज़ी हो जाए कि वो ड्रिंक की तरह उसे ले और 3 चम्मच एक गिलास पानी में डालें और बाकी वो उसमें पानी डालें, तो वो कलर में भी वैसा ही है और नशा भी होगा उन्हें, लेकिन उतरता हुआ नशा, चढ़ता हुआ नशा नहीं, और एकदम सुकून मिलेगा दिमाग को और वो सारा जो बुराई दिमाग में घुस जाती है वो निकल लेगी। और वैसे ही उनके सामने खाने पीने की चीज़ें रखी जो चखना रखते हैं और वो खाते रहे चखते रहे और आधे घंटे में वो पीते पीते ऐसे गफलत की नींद सोएंगे कि सुबह को कहेंगे आज मुझे बड़ी अच्छी नींद आई। तो अगली कोशिश करके देख लें, मुझे उम्मीद है कि अगर वो तैयार हो जाएंगे तो उनको फ़ायदा मुमकिन है।